तो आइए दोस्तों, हम लेकर के आ चुके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैथ के, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं निर्देशांक ज्यामिति कवर करने वाला हूं और निर्देशांक ज्यामिति से जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं सारा का सारा मैं इस वीडियो में कवर कर दिया हूं। और टोटल का टोटल जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूं वो NCERT बुक से मैं लाता हूं, ठीक है। तो यहां पे देख लो कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या था, वो तो पहले देख लो क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये देख लो, पूरा चैप्टर ही खत्म, निर्देशांक ज्यामिति का जितना भी एक्सरसाइज है सब खत्म। तो उन एक्सरसाइज में से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। देख लो भैया, चतुर्थांश, दूरी सूत्र, मध्य बिंदु, मूल बिंदु, समदूरस्थ, संरेख, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल और के का मान ज्ञात कीजिए। यही तो है सारा का सारा टॉपिक जो है ना मैं क्लियर करने वाला हूं और ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन ले लेते, क्वेश्चन क्या लेते हैं हम, ये जो सबसे पहले जो है हमारे पास चतुर्थांश है इसको हम समझ लेते हैं चतुर्थांश के बारे में, ठीक है। इससे एक दो नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको समझने के लिए, हम कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं। तो चलो हम इस तरीके का एक डायग्राम बना लिए, ठीक है, ओके। और आपको तो पता होगा ग्राफ वगैरह से बनाते हैं तो ये आपको बनाना होता है, ठीक है। यहां पर जो होता है वो मूल बिंदु होता है, क्या होता है, मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु जो होता है भैया वो 0.0 होता है, क्या होता है, 0.0 होता है कि नहीं, ये आपको पता होगा। ये हमारे पास क्या होता है एक्स अक्ष, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये वाई एक्सिस, ठीक है। इधर जो भी संख्या होगा वो प्लस वाला होगा, जैसे कि प्लस का एक, प्लस का दो, प्लस का तीन, ठीक है, प्लस वाला। इस साइड जो भी संख्या होगा ऋणात्मक होगा, जैसे कि माइनस का एक है ना, माइनस का दो, माइनस का तीन, इस तरीके से होगा। ऊपर जो भी संख्या होगा, प्लस का एक, प्लस का दो, प्लस का तीन। नीचे जो भी होगा माइनस का एक, जैसे माइनस का दो और माइनस का तीन, इस तरीके से समझो। अब इसमें हम क्या करेंगे, चतुर्थांश समझेंगे यानी पाद समझेंगे, जैसे कि ये प्रथम पाद हुआ, ये द्वितीय पाद हुआ, द्वितीय पाद को हम द्वितीय चतुर्थांश भी कहेंगे, ये हमारे पास तृतीय पाद होता है यानी तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ पाद यानी चतुर्थ चतुर्थांश बोले तो चतुर्थ पाद है ना, ये होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें चिन्ह देखेंगे कि प्रथम पाद में चिन्ह क्या क्या आता है। तो पहले कभी भी पहले x वाले का चिन्ह लिखा जाता है, उसके बाद y वाले का लिखा जाता है, ठीक है। तो x वाले का चिन्ह होता है प्लस, इसमें देख लो x वाला, पहले x वाला इधर क्या है, प्लस का, ठीक है, और इधर क्या है y वाला, ये भी प्लस का है। तो ये प्लस प्लस किस पाद में, प्रथम पाद में। द्वितीय पाद में क्या होगा, पहले x वाला ये माइनस है और y वाला सब क्या है, प्लस का। तो माइनस कॉमा प्लस, ये चिन्ह हुआ द्वितीय पाद में। तृतीय पाद में सब माइनस है, एक्स वाला भी माइनस और वाई वाला भी माइनस, तो ये हुआ माइनस माइनस, ठीक है। और चतुर्थ पाद में एक्स वाला प्लस का है और वाई वाला क्या, माइनस का है, तो ये हुआ माइनस। मैंने ये लिखा, अब इसमें ये पता चलेगा, जैसे हम आपसे पूछेंगे कि 4.5 किस पाद में है, आपसे पूछेंगे कि भैया 4.5 किस पाद में है ना, आपसे पूछे किस पाद में। तो पाद जब भी कहे तो भैया संख्या से कोई मतलब नहीं, उसके चिन्ह से मतलब होता है। तो इसमें आगे क्या छिपा, इसमें भी प्लस छिपा, इसमें भी प्लस छिपा हुआ है, संख्या से कोई मतलब नहीं होता है। जब भी आपसे पूछे कि 6.4 में, 6.4 किस पाद में, ऐसे पूछे ना, तो बता देना, सिर्फ उसका चिन्ह देखना। तो चिन्ह इसमें है आगे प्लस, इधर भी प्लस छिपा है, तो प्लस प्लस देख लो किस पाद में, प्लस प्लस प्रथम पाद में, इसका मतलब 4.5 जो है वो प्रथम पाद में है, इसका ये आंसर हो गया। मान लो कि माइनस के 6.4 किस पाद में है कि नहीं। अब इसका चिन्ह देखो, आगे ये माइनस है, इधर क्या है, प्लस छिपा है, तो माइनस प्लस देख लो किस पाद में है, तो माइनस प्लस देखो यहाँ, तो ये हो गया द्वितीय पाद। तो मतलब माइनस 6 और 4 जो है ये द्वितीय पाद में चला गया है ना, इस तरीके से पूछा जाता है। द्वितीय पाद हो सके, ऐसे पूछे किस चतुर्थांश में है, तो भी आपको ऐसे ही जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे इसमें किसी न हर एग्जाम में एक नंबर का तो आता ही इस टाइप का क्वेश्चन, ये किस पाद में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा आपको, ठीक है। और मैं इसमें एक चीज और बता दूं कि पहला जो होता है वो x अक्ष कहलाता है और दूसरा कहलाता है y, x और दूसरा y। x को हम क्या कहते हैं, भुज, ठीक है, x को क्या कहते हैं, भुज, और y को क्या कहते हैं, कोटि, क्या कहते हैं, कोटि, ठीक है। तो x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है, क्लियर, डाउट क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपने बेसिक आपने समझ लिया। इसमें तो भैया इसमें ऐसे भी पूछ देगा कि 9.6 में भुज का मान बताइए,
तो हमको पता है कि भुज किसको बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं, और आपको पता है कि पहले जो होगा वो एक्स होगा, बाद में जो होता है वो वाई होता है। तो ये हमारे पास भुज का मान पूछेगा तो नौ कहेंगे, क्योंकि भुज जो होता है एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है, तो भुज हमारे पास नौ है और कोटि हमारे पास छः है। क्लियर? डाउट कुछ भी पूछ सकता है, कोटि का मान बताइए या भुज का मान बताइए, इस तरीके से आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, हम क्योंकि अब हम दूरी सूत्र समझने की पूरी कोशिश करेंगे। मार लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, इसको हम मिटाएंगे। ओके, अब आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र को समझ लीजिए, हमें एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिया मैंने कि बिंदु ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र लिखेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है आपको पता है? दूरी सूत्र बराबर जो होता है वो होता है एक्स टू माइनस के एक्स वन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई टू माइनस के वाई वन का होल स्क्वायर, और इसका लगा दीजिए रूट, ठीक है, तो अंडर रूट मैंने लगा दिया। आप चाहो तो इसे ऐसे भी बोल सकते हो, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देख लो हमें क्या है कि ये जो हमारे पास है ये एक्स वन है और ये हमारे पास वाई वन है, ये हमारे पास एक्स टू है और ये हमारे पास क्या है? वाई टू है। अब इसमें हम मान पुट करेंगे, ठीक है, तो हम चलिए पुट करते हैं। एक्स टू की वैल्यू हमारे पास माइनस के ए है तो माइनस के लिखेंगे, ये माइनस तो माइनस, एक्स वन का वैल्यू ए है तो हम लिखेंगे ए, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस में वाई टू का वैल्यू है माइनस के बी तो हम लिखेंगे माइनस के बी, और ये माइनस है तो माइनस, वाई वन की वैल्यू हमारे पास बी है तो हम लिखेंगे बी, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, लगा दीजिए अंडर रूट, हमने लगा दिया अंडर रूट। अब आपको पता होगा कि माइनस ए है माइनस ए, जब समान चिन्ह हो तो संख्या ऐड होता है और अपना चिन्ह भी छोड़ देता है, तो समान चिन्ह है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो संख्या को ऐड कर दो, तो संख्या हमारे पास ए है और ए है जो कि अल्फाबेट का लेटर है, है ना, तो a और a, माइनस ए और माइनस ए, तो माइनस के 2a, क्या होगा 2a, इसका होल स्क्वायर है तो कर दीजिए होल स्क्वायर, प्लस माइनस बी तो हो जाएगा माइनस के 2b, यानी a को माइनस के b, a को माइनस के b, दो को माइनस के b हो जाएगा, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, माइनस 2a का होल स्क्वायर करेंगे यानी माइनस 2a गुने माइनस 2a, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे समझाता हूँ, अगर माइनस के 2 ए और गुने में माइनस के 2a कर रहा है तो माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, दो दो से गुना करेंगे तो चार, और a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको पता होगा, ये बेसिक है, ठीक है, 4a स्क्वायर, और प्लस में इसको भी गुना करेंगे तो ये 4b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, रूट है तो रूट डालो। अब यहाँ से क्या करेंगे, चार कॉमन लो, चार कॉमन लेंगे तो ये a स्क्वायर होगा, क्या होगा भाई, a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, और रूट लगा दो, रूट कहता है कि दूगो में से एगो निकालो, तो चार है ना, चार को हम क्या लिख सकते हैं, दूगो ने दो लिख सकते हैं, तो दो इसका रूट बाहर हो जाएगा और अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दूरी सूत्र के प्रयोग से ये हमारे पास आंसर आ गया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। दूरी सूत्र पर कई सारे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलेंगे इसमें मध्य बिंदु के बारे में, तो इसका जल्दी से स्क्रीन शॉट मारिए था, हम इसको मिटाएंगे। ओके चलिए स्क्रीन शॉट मारिए। आइए अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, हम तीसरा टाइप के लिए है, मध्य बिंदु पे हमारे पास जो क्वेश्चन है 2.3 और 4.1, और इसका हमें ज्ञात करना है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होगा, जैसे मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है एक्स वन प्लस के एक्स टू बाई टू कॉमा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास है मध्य बिंदु बराबर, क्या है, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु बराबर, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। चलिए हम मान पुट करते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2, मान पुट करते हैं x1 प्लस के x2 यानी x1 दो और x2 चार है, यानी दो प्लस के हम लिखेंगे चार और y2 बराबर लगाइए कॉमा y1 प्लस के y2, तो y1 है तीन और प्लस के y2 हमारे पास एक और बट्टे में दो लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चार दो छः और बटा में दो कॉमा तीन और एक चार और बटा में दो काटो, दो तिहाई छः दो दूरी चार, तो हमारे पास आ जाएगा तीन कॉमा
दो, ये हमारे पास आ गया। मध्य बिंदु के जगह पे हम रखेंगे x, y, क्योंकि x, y की ही हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। तो ये मध्य बिंदु की मदद से हमने निकाल लिया। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन दे आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से आप क्या करो, इसका स्क्रीन शॉट मारो। तो अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। प्रिय छात्रों, अगर मैं आपको कहूँ कि 3.4 का मूल बिंदु ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है आपको? मूल बिंदु। आप फॉर्मूला भी सीखते जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग याद कर लेना। 3.4 का मूल बिंदु ज्ञात करने के लिए आप कहेगा तो क्या करोगे? सबसे पहले ये x1 और ये हमारे पास क्या होता है y1, ठीक है। या फिर आप y1 देने की जरूरत, क्योंकि अगला बिंदु तो है नहीं, x मान लो, इसको y मान लो। तो मूल बिंदु हमारे पास क्या होता है? मूल बिंदु बराबर फॉर्मूला, मूल बिंदु है कि नहीं। तो मूल बिंदु बराबर जो फॉर्मूला होता है भैया, वो होता है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। ये होता है मूल बिंदु का फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे x जो हमारे पास हुआ है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस में y, y हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, रूट है तो रूट लगा दीजिए, यानी करनी। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 16 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और हमारे पास 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो मूल बिंदु जो हमारे पास आ गया वो 5, इसका ये आंसर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो मूल बिंदु मैंने निकाल लिया। इस तरीके से मूल बिंदु निकाला जाता है। अब हम समदूरस्थ वाले पर क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से मारिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, पांचवा टाइप का है समदूरस्थ, ठीक है। तो समदूरस्थ टाइप के हम क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2.-5 और -2.9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ ये कह रहा है, सिंपल सी बात है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, दो बिंदु है, दो बिंदु 2.-5 है पहला बिंदु और दूसरा बिंदु -2.9 है, ठीक है। ये हमारे पास बिंदु है, ओके। और एक्स अक्ष पर वह बिंदु, देखिए एक्स अक्ष पर जब भी कहे वह बिंदु तो वाई वाला हमारा हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। एक्स अक्ष के लिए कहे तो वाई जो बिंदु होता है वो जीरो, और वाई अक्ष के लिए कहे तो एक्स अक्ष जो होता है वो हमारा जीरो होता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं, एक्स अक्ष पर वह बिंदु कहता है तो एक्स और कॉमा वाई हमारा पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R, ठीक है। और ज्ञात कीजिए जो ये बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ कि समान दूरी पर, ठीक है, ओके। मतलब ये हुआ कि PQ बराबर QR, क्योंकि समान दूरी मतलब ये और ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर, यानी PQ बराबर में PR। तो हम इसको कह सकते हैं PQ बराबर में QR, कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कहेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, PQ की दूरी निकाल लेंगे और QR की दूरी निकाल लेंगे, है कि नहीं, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे क्योंकि यहाँ बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हल तो स्टार्ट है, यहाँ से हम लिख देते हैं हल, ओके, यहाँ से हम लिख दिए हल। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। समदूरस्थ यानी समान, समझ रहे हैं, समदूरस्थ का मतलब समान होता है। तो हम दोनों को समान समान दूरी पर बांट दिए हुए हैं, ठीक है, यानी PQ बराबर में QR, ठीक है, बराबर बराबर दूरी में बांट दिए। अब P से PQ की दूरी हम ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या कहता है हमारे पास, दूरी सूत्र हम कहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि एक्स टू माइनस के एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस के वाई टू माइनस के वाई वन का होल स्क्वायर का रूट अंडर, यही ना होता है, ये होता है रूट अंडर। तो इसी पर हम दोनों को पुट करेंगे, ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो सूत्र कहता है x2 माइनस के x1, तो x2 हमारे पास x है और माइनस के x1 हमारे पास 2 है, तो 2 कर दिए और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। आगे हमारे पास है प्लस, तो हम करेंगे प्लस। फिर है y2 माइनस के y1, तो y2, y2 हमारे पास क्या है यहाँ पे, 0, तो हम लिखेंगे 0 और माइनस के y1, y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास है माइनस के 5, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5, इसका कर दो होल स्क्वायर और लगा दो रूट अंडर, क्या कर देंगे, रूट अंडर लगा देंगे बराबर। अब QR की दूरी, QR ये है, तो ये हमारे पास हो गया x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 है ये y2। तो दूरी सूत्र से x2 माइनस के x1, तो x2 हमारे पास हो जाएगा माइनस के 2, तो माइनस के 2, ठीक है, और माइनस सूत्र में है तो माइनस x1, तो x1 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x, इसका होल स्क्वायर करेंगे और प्लस में y2 माइनस के y1, y2 माइनस के y1, यही ना दूरी सूत्र है। तो y2 इसमें हमारे पास 9 है,
ठीक है, तो हम लिखेंगे 9, ठीक है, वाई टू और माइनस के वाई वन हमारे पास क्या है यहाँ पे 0, तो हम लिखेंगे 0 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है, और लगा देंगे रूट, तो हमने लगा दिया रूट। अब इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर तो हम लिख दिए वर्ग करने पर। अब यहाँ से रूट ये आपस में हट जाएगा, क्योंकि वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x माइनस दो का होल स्क्वायर, तो हम x माइनस दो का होल स्क्वायर करिए लेते हैं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस बी स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर करेंगे तो 4, अब माइनस 2ab तो 2a ये है और b है तो 2 × 4 यानी 4x हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे a प्लस बी का हर स्क्वायर करेंगे तो करने की जरूरत नहीं है, 0 5 जोड़ेंगे तो 5 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, बराबर इसका कर लो माइनस दो और माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो माइनस के दो का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 और प्लस में बी स्क्वायर, बी के जगह पे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस के 2ab तो देखो ध्यान से माइनस के 2a a के जगह पे है माइनस के 2 तो हम गुना करेंगे माइनस के 2 और गुने बी, बी के जगह पे एक्स है तो जब दोनों गुना 2 × 4 एक्स यानी माइनस माइनस गुना प्लस तो प्लस का ही हो जाएगा 4x, ओके, तो ये हमने कर दिया, ठीक है। अब ये प्लस है तो प्लस, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 × 81, ठीक है, ये आ गया। हमें तो यहाँ पे रूट डालने की जरूरत है क्योंकि हम दोनों तरफ वर्ग कर दिए इसलिए, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे भैया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल कट गया, प्लस का है तो ये प्लस का 4 ये प्लस का 4 आपस में कट गया। अब देखो कटने वाला है कि नहीं, ये माइनस 4 के ये प्लस का 4x नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं सबको इधर लिया, माइनस वाले को इधर, माइनस के 4x तो माइनस के 4x, प्लस का 4x बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस के 4x होगा, बराबर में ये 81 है तो 81 और ये प्लस के 25 है पक्षांतर गए तो माइनस के 25 होगा, है कि नहीं, तो माइनस के 4x माइनस के 4x माइनस के 8x होगा और बराबर में 81 में से 25 घटाओ तो 11 ये 6 होगा और ये बचा 7 7 में से दो गए तो 5 56 हो जाएगा। आप काट सकते हो इसीलिए x बराबर क्या होगा 56 / -8 8 7 56, तो हमारे पास जो है x की वैल्यू आ गए वो माइनस का 7 है तो माइनस के 7 आ गया, ठीक है। तो हमें निकालना था x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो ये q बिंदु, q के जगह पे हम x के जगह पे क्या रखेंगे माइनस के 7 0, तो हम लिखेंगे अतः बिंदु है ना, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x अक्ष पर बिंदु होगा, x अक्ष पर वह बिंदु है कौन कौन है भैया, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे ये माइनस है 7, तो x के जगह पे हम रखेंगे माइनस के 7 0, तो ये बिंदु आ गए, ये हमारे पास क्या गया आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे अगला टाइप का क्वेश्चन लेंगे, तो इसका आप क्या करो स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। चलिए हम अगला टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से समझ गए होंगे, ओके। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं विभाजन सूत्र पर इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा संरेख मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, संरेख इस क्वेश्चन की हम बात देख लेंगे, ठीक है। तो विभाजन सूत्र पे हम देख लेते हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये विभाजन सूत्र पे, ठीक है, तो पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं हल, ओके, और कहता उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कोई भी इतने वो बिंदु के निर्देशांक हमको पता नहीं, तो मान लेंगे कि माना वह बिंदु है कौन बिंदु है भैया, तो मान लो कि वह बिंदु P है, ठीक है, माना वह बिंदु P, ठीक है। अब P बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे देख लो, ये इस तरीके से हमारे पास क्या है पहला बिंदु, वो है 4 -3 और ये बिंदु है एक, सॉरी ये है, इधर हम करते हैं क्या करते क्या है -1, 7 और इधर क्या है 4 -3, ठीक है। अब बीच में मान लेते कोई P बिंदु है, ओके, जो वही बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, ये Q और इसको मान लेते हैं R,
ठीक है। तो ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या करता है, मतलब 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ये 2 और ये 3, 2:3 में विभाजित कर दिया। अब चलिए हम निकाल लेते हैं, तो विभाजन सूत्र की मदद से निकालेंगे। तो विभाजन सूत्र हमारे पास क्या होता है, तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। विभाजन सूत्र, सूत्र बराबर क्या होता है, तो हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं लिखने का तरीका। आप क्या करोगे, mx लिखोगे, आप प्लस में mx लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद my लिखोगे और प्लस में my लिखोगे, राइट, और बटा में हम क्या करेंगे, m1 करेंगे आप प्लस में m2 करेंगे, इसके नीचे भी क्या करेंगे, m1 आप प्लस में m2, ठीक है, कॉमा लगा दो। अब यहाँ से क्या करना, याद रखना 12 21 12 21 करते चलना है, 12 हो गया, उसके बाद फिर 21 हो गया, फिर करना है 12 हो गया, फिर उसके बाद 21 हो गया, ठीक है, तो ये हमने कर दिया। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किसका, विभाजन सूत्र का। विभाजन सूत्र के जगह पे हम रखेंगे, क्योंकि हमको तो x और y का मान निकलेगा इस वाले से x से, इस वाले से y से, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं x कॉमा y, ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। ओके, इस बात को ध्यान रखना, तो x कॉमा y हम निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले मान पुट कर लो। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है। चलिए मान पुट करते हैं, m1 इसमें कौन होगा, ये 2:3 है ना, तो ये हमारे पास m1 है और ये हमारे पास m2 है, ये ठीक है, तो सबका मान आ गया। अब चलिए हम पुट करते हैं, m1 हमारे पास क्या है, तो सिंपल सी बात है, m1 हमारे पास 2 है, तुम लिखेंगे 2, बीच में गुना रहता है तुम लिखेंगे गुना, x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 4, तुम लिखेंगे 4, प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, m2 हमारे पास क्या है, तो m2 हमारे पास 3 है, तुम लिखेंगे 3, और गुने में x1 क्या है हमारे पास, तो x1 हमारे पास माइनस 1, तुम लिखेंगे माइनस का 1, और बटा लगाएंगे m1 प्लस के m2, तो m1 2 है, m2 3 है, 3 अधू 5, यानी हम रख देते 2 प्लस के 3, ऐसे कर देते, कोई दिक्कत नहीं। m1 y2 है, तो m1 हमारे पास 2 है, और गुने में y2, y2 हमारे पास क्या है, y2 माइनस के 3 है, तो माइनस के 3, प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, m2 क्या हमारे पास, m2 3 है, तो हम लिखेंगे 3, और गुने में y1 हमारे पास 7 है, तो लिखेंगे 7, और बटा में क्या कर देंगे, m1 प्लस के m2, तो m1 हमारे पास है वही m1 2 और प्लस के यहाँ पे 5 कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है, x कॉमा y, ठीक है, बराबर देखो 4 × 2 = 8 हो गया, और 3 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 होगा, तो बताइए 4 × 2 = 8, और 3 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस के 3, तो 8 में से माइनस 3 घटेगा, तो कितना बचेगा, 5 आएगा, है कि नहीं, अब बटे में 3 अधू जोड़ेंगे तो ये 5 होगा, कॉमा, अब इधर देख लेते हैं, 3 × 2 = 6, माइनस का 6 होगा, इस बात को ध्यान रखना, ये माइनस का 6 होगा, और 7 × 21, तो ये 21 हो गया, इधर माइनस का 6 है, तो 21 में से माइनस का 6 घटेगा तो 15 आएगा, तो हम लिखेंगे 15, और बट्टे हमारे पास क्या हुआ, 3 × 2, अच्छा अच्छा मैंने कुछ गलती कर दिया, ये m2 हमारे पास क्या 3 है ना, तो हम 3 लिखेंगे, 3 × 2 = 5 हो जाएगा। अब काटो, 5 × 1 = 5 कट गया, 5 × 3 = 15 कट गया, तो हमारे पास आया क्या, x कॉमा y बराबर ये आ गया 1, 3, तो हमारे जो बिंदु आई पी जो निकल गया वो 1, 3 आ गया, 1, 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया, निकल करके आंसर आ चुका है, ये निर्देशांक हमने निकाल लिया, ठीक है, तो 1, 3 ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आपने समझ लिया विभाजन सूत्र, अब हम समझेंगे संरेख पढ़ के, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो मार लीजिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट, ओके। आइए अब हम सॉल्व करते हैं संरेखी वाला, ठीक है, तो संरेखी वाला कंसेप्ट आप समझ लीजिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है। संरेखी का मतलब सबसे पहले समझिए, संरेखी का मतलब होता है जिसका सभी बिंदु, मतलब जो भी बिंदु है वो एक ही रेखा पर हो, वो संरेखी बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं, यानी एक ही रेखा पर है ही नहीं, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो तीनों बिंदु कहता है कंडीशन में कि संरेखी का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, तो इसमें तीन बिंदु है, तीनों बिंदु को एक रेखा में खड़ा कर देंगे, तो ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, और ये रहा तीसरा बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है पहला बिंदु, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, ठीक है, PQR मान ली, पहला बिंदु है 4, 3,
दूसरका बिंदु हमारे पास क्या है 5.1 और तीसरका बिंदु हमारे पास है 1.9। ठीक है, ये हमारे पास है। अब यहां से हम क्या करेंगे भैया, संरेखी है या नहीं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, तीन भुजा निकाल लो। सबसे पहले P से लेके Q तक की दूरी और Q से लेके R तक की दूरी, और फिर निकालो PR। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम P से लेकर के Q तक की हम दूरी निकालते हैं, दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, यानी दूरी सूत्र से। तो PQ की दूरी, तो चलिए हम निकालते हैं PQ की दूरी बराबर। तो PQ बराबर, दूरी सूत्र आपको पता है, X2 माइनस के X1 का होल स्क्वायर आपको पता होगा। तो ये हमारे पास X1, ये Y1, ये X2, ये Y2। तो X2 माइनस के X1 का होल स्क्वायर, तो X2 हमारे पास है 5 और माइनस X1 हमारे पास है 4, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस Y2 माइनस के Y1 का होल स्क्वायर, तो Y2 हमारे पास है 1 और माइनस के Y1 हमारे पास है 3, इसका कर देंगे होल स्क्वायर और लगा दीजिए रूट। ठीक है, तो रूट लगा दीजिए। अब हमारे पास 5 में से 4 जगह तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस में 1 में से माइनस 3 घटेगा तो माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये रूट हम लगा दिए। तो PQ की दूरी हमारे पास क्या आ गया, 4 × 5, तो रूट अंडर 5 आ गया PQ की दूरी। याद रखना PQ की दूरी 5। अब हमारे पास रूट अंडर 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, QR की दूरी निकालेंगे। तो QR की दूरी हम निकालते हैं, चलिए QR की दूरी बराबर, तो दूरी सूत्र के प्रयोग से ये हमारे पास X1 हो जाएगा, ये Y1, ये X2 और ये Y2 हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी सूत्र कहता है X2 माइनस के X1, तो X2 हमारे पास क्या होगा 1, माइनस के X1 हमारे पास हो जाएगा 5, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस Y2 माइनस के Y1 का होल स्क्वायर, तो Y2 हमारे पास 9 और माइनस के Y1 हमारे पास 1, इसका कर देंगे होल स्क्वायर और लगा दीजिए रूट। तो हमने लगा दिया रूट, 1 में से माइनस 5 घटाएंगे तो माइनस चार का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा प्लस का, प्लस 9 में से 1 घटेगा तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो ये हो गया 64 और 16 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, है कि नहीं, ये हमारे पास 80 का फैक्टर कर लो। 80 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 40, फिर 2 से लगाएंगे तो 20, और फिर 2 से लगाएंगे तो 10, और फिर 2 से लगाएंगे तो 5। तो यहाँ पे देख लो, रूट में जो रहता है 2 में से 1 बाहर होता है, तो 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, तो दोनों में ई 2 में से 1 2 निकलेगा, ई 2 में से 1 2 निकलेगा, तो 2 × 2 4, और रूट में ही अकेला बच जाएगा 5, यानी 4√5 होगा, इसका क्या होगा 4√5 आ जाएगा। तो QR जो निकला हमारे पास 4√5 आ गया। अब हमको निकालना है PR की दूरी, तो P से लेके R की दूरी, तो कोई दिक्कत नहीं, PR की दूरी हम निकाल लेते हैं यहाँ से। PR बराबर क्या होता है, सिंपल, ये हमारे पास X1, ये Y1, और ये हमारे पास हो जाएगा X2, Y2। सूत्र कहता है X2 माइनस के X1, तो X2 हमारे पास 1 और X1 हमारे पास 4 है, तो 1 माइनस के 4 इसका होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस Y2 माइनस के Y1 का होल स्क्वायर, तो Y2 हमारे पास है 9 और माइनस के Y1 है 3, इसका कर देंगे होल स्क्वायर और लगा देंगे हम रूट। तो हम लगा दिए रूट बराबर, 1 में से हम क्या करेंगे, माइनस के 4 है और माइनस 4 है ना, तो 1 में से 4 घटेगा तो माइनस के 3, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9, प्लस 9 में से 3 गया तो 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा रूट, है ना। तो ये हमारे पास PR है, तो ये PR बराबर 36, 9 कितना होगा 44 होगा, क्या होगा, ये 6 नहीं, हाँ 44 ही होगा ना, 36 नहीं सॉरी 45 होगा ना, तो रूट अंडर 45 हो गया, तो 36 और 9 हो गया भैया 45। अब 45 का हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो 45 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं, तो 3 से लगेगा तो 15 आएगा, फिर लगेगा 3 से तो 5 आएगा, तो 2 × 3 में से 1 × 3 बाहर, और रूट में बच जाएगा 5, तो इसको हम निकाल सकते, इसको लिख सकते 3√5। ठीक है, तो हमारे पास PR जो आ गया भैया, PR की जो वैल्यू आ गया भैया 3√5। अब तीनों निकाल लेने के बाद संरेखी का मतलब समझिए। देखो भैया, जो सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी जिसका मान सबसे बड़ा होगा उसको एक साइड, और शेष जो दो छोटा होगा उन दोनों को जोड़ करके देखेंगे कि जो बड़ा वैल्यू आया उसके बराबर होता है कि नहीं। अगर बराबर है तो संरेखी, नहीं बराबर तो संरेखी नहीं। तो देख लेते हैं सबसे बड़ा वैल्यू किसमें है, ये 4√5, ये 3√5 और ये है 5√। तो सबसे बड़ा वैल्यू है QR का 4√5। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे संरेखी के लिए कि QR बराबर
ये सबसे बड़ा, तो बड़ा हम आगे लिख लिए, और शेष दोनों को जोड़ करके देखो पी आर प्लस में पी क्यू, तो हम लिखेंगे पी आर प्लस में क्या है पी क्यू, तो हम लिखेंगे पी क्यू। अब दोनों को ऐड करके देखेंगे कि दोनों बराबर होता है कि नहीं, बराबर है तो समझे कि नहीं, बराबर तो समझे कि नहीं, तो ये चार रूट, क्यू आर चार रूट अंडर पाँच है, बराबर पी आर की वैल्यू है तीन रूट अंडर पाँच, तो हम तीन रूट अंडर पाँच प्लस में पी क्यू की वैल्यू रूट अंडर पाँच, तो रूट अंडर पाँच। अब आप ही बताइए चार रूट अंडर पाँच है, अब बराबर तीन को रूट अंडर पाँच, एक को रूट अंडर पाँच, तो चार को रूट अंडर पाँच हुआ कि नहीं, तो ये दोनों बराबर निकला, तो हम कहेंगे अतः दिए गए तीनों बिंदु जो है वो संरेखी है, तीनों बिंदु क्या हो गए संरेखी हो गए, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप कि संरेखी वाला कंसेप्ट आपने समझ लिया। ओके, कभी भी जब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना ना, तो पहले तीन बिंदु निकाल लेना, ये तीनों का जैसे जैसे मैंने निकाला वैसे वैसे निकाल लेना, उसके बाद देखना कि सबसे ज़्यादा बड़ा मान किसका आ गया उसको एक साइड, और शेष दो जिसका छोटा मान रखा उसको एक साइड, दोनों को ऐड करके देखेंगे, देखेंगे दोनों आपस में बराबर होता है कि नहीं, बराबर है तो संरेखी, नहीं बराबर तो संरेखी नहीं, ठीक है, तो संरेखी का कंसेप्ट आपने समझ लिया। ओके, अब आइए अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे और के का मान ज्ञात करना देखेंगे, ठीक है, चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट आप मारिए तो। ओके, अब दोस्तों मैं क्या करता हूं, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और के का मान ज्ञात कीजिए, ये दोनों जो मैं लेने वाला हूं उदाहरण आपको समझाने के लिए, वो एनसीईआरटी क्लास टेंथ, वो 7.1 का पहला, सॉरी 7.1 नहीं 7.3 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, वो दोनों सॉल्व कर लेना ही, दूसरे में के का मान ज्ञात करना है, कहेगा कि के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, ऐसे है ना, तो वैसे में भी आपको निकालना है दूसरा वाला में भी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल पहला वाला में निकालना है ना, यानी 7.3 के पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको देख लेना है। मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा और पिन कर दूंगा, उसमें जा करके चेक कर सकते हो, ठीक है, तो आप लोग देख लेना। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।